गया इंजेक्शन, तो कैसा लगा तुझे पनिशमेंट? ओ पूनम, तू पढ़ कर आई है क्या? क्यों, आज टेस्ट है क्या? हो भी सकता है, हमारे पागल टीचर का कोई भरोसा नहीं है। जब चाहो तब ओरल टेस्ट लेता रहता है, जब चाहो तब सरप्राइज टेस्ट लेता रहता है। और अगर हम टेस्ट में फेल हो गए तो हमें अजीबोगरीब पनिशमेंट देते रहता है। कभी मुर्गा बना देता है, कभी भैंस बना देता है, कभी चूहा बना देता है, कभी डोंकी बना देता है, और कभी कभी तो मंकी भी बना देता है। लेकिन अब तक ये बुड्ढा आया क्यों नहीं? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पे गया होगा। नहीं नहीं, जरूर रास्ते में बैठकर टट्टी कर रहा होगा। दोस्तों, हंसी मजाक तो होता रहेगा। तुम दोनों को याद है कल उस पागल सर ने क्या कहा था? क्या कहा था, क्या कहा था? दोनों के दोनों भुला करो। सुनो बच्चों, क्या तुमने कभी पोलियो खाया है? हाँ सर, पोलियो कौन नहीं खाता, सब खाते पोलियो। अगर हम पोलियो नहीं खाते तो आपके सामने सीधे खड़े हो पाते? सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, बच्चा बच्चा जानता है पोलियो कितनी जरूरी होती है। तो फिर तुम लोग ये भी जानते होगे कि इंजेक्शन कितनी जरूरी है। क्या तुम लोगों ने कभी इंजेक्शन लगवाया है? नहीं सर। दिव्या तूने लगवाया है? नहीं सर। आशु तूने लगवाया है? नहीं सर। क्यों नहीं लगवाया? सर मुझे सुई से ना बहुत डर लगता है, सुई लगाने से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पेट में छुरा घोप दिया। सर मुझे अगर सुई लगी मैं तो पैन में ही सुसु कर दूंगी। और सर मैं तो जिंदा लाश बन जाऊंगी। कितने डरपोक हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुई लगाने में जो मजा आता है ना, वो तो और किसी में भी नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे बॉडी का मसाज कर रहा हो। एक बार जरूर लगाना। नहीं सर, नहीं लगवाएंगे। कोई नहीं, बहुत जल्द तुम्हें लगाने का भी मौका मिल जाएगा। आपको कैसे पता चला सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पढ़े करो ना, पढ़े करो, पढ़े करो, तो पढ़े कर। ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, मेरे दिमाग में नहीं आया। अब हम क्या करें? क्या करें, क्या करें, स्कूल से भाग जाते। घर में जाके मम्मी को क्या कहेंगे? हम घर जाएंगे ही नहीं। तो कहाँ जाएंगे? पार्क जाएंगे, पार्क। तुम दोनों को पता नहीं आदाबाद में नया पार्क खुला है, वहाँ जाएंगे। मेरे पास ना 500 रुपीज है, बहुत इंजॉय करेंगे। 500 रुपीज? चलो बैग में किताब डालो। क्या हुआ? आगे देखो। ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, हमारा पागल टीचर है। पर ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है? पागल है, कुछ भी कर सकता है। अब हम क्या करें? क्या करें? किताब निकाल कर पढ़ने बैठो। बच्चों आज मैं कैसा लग रहा हूँ? सर ये आप क्या बनकर आए हो? आप टीचर हो या डॉक्टर? मैं हूँ तो टीचर ही, लेकिन मुझे डॉक्टर वाली सारी काम आती है। वो क्या है ना, पहले मैं डॉक्टर की डिग्री लेने वाला था, फिर बाद में मुझे उसमें मन नहीं लगा और फिर मैं टीचर बन गया और तुम जैसे बेवकूफों को पढ़ाने लग गया। सब फेंक रहा है, फेंक हो गएगा। अरे ये तासु दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? तासु कहाँ गई? थोड़ी देर पहले तक तो यही थी ना। लगता है भाग गई। हमें इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग गई, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम लोग आपस में क्या खुसुर-बुसुर कर रहे हो, तासु कहाँ गई बोलो। सर लगता है तासु आपको देखकर भाग गई। मुझे देखकर भाग गई? क्यों, मैं कोई राक्षस हूँ क्या? राक्षस ही तो हो। क्या कहा? कुछ नहीं सर, नहीं हो आप, नहीं हो, नहीं हो। उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, क्लास को बंक कर भागी है ना वो, आज नहीं तो कल उसे आना ही पड़ेगा क्लास में, तब दूंगा मैं उसे पनिशमेंट। हाँ सर जरूर देना, जरूर देना। बच्चों तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं स्कूल में डॉक्टर बनकर क्यों आया हूँ, है ना? हाँ सर। मैं डॉक्टर इसलिए बना हूँ क्योंकि मैं टीचर बनकर तुम्हें क्या ही पनिशमेंट दे सकता था, वही नील डाउन कराना और मुर्गा बनाना, लेकिन डॉक्टर बनकर, सॉरी डॉक्टर नहीं, इंजेक्शन वाला डॉक्टर, इंजेक्शन वाला डॉक्टर बनकर मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा सकता हूँ और तुम्हारा दिमाग में घुसकर तुम्हारे गोबर को भी निकाल सकता हूँ। इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों का टेस्ट देने वाला हूँ। सर सरप्राइज टेस्ट? नहीं। ओरल टेस्ट? नहीं। तो क्या सर? ब्रेन टेस्ट। ब्रेन टेस्ट? हाँ, जिसमें तुम्हें आंसर ब्रेन से देना पड़ेगा, यानी दिमाग लगाकर देना पड़ेगा, और अगर दिमाग लगाकर आंसर नहीं दे पाते हो तो इंजेक्शन लगाने के लिए रेडी हो जाओ। अरे अरे तुम दोनों को क्या हो गया? उठो उठो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ।
उठो। सर प्लीज ब्रेन टेस्ट मत लीजिए ना, हम दोनों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। अरे ब्रेन टेस्ट में पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना ब्रेन लगाना होगा और तुम्हारे पास बस नॉलेज चाहिए, नॉलेज। सर हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारे पास? सर हमारे पास ना सिर्फ रट्टा मारने का टैलेंट है। एग्जाम के आगे दिन हम रट्टा मारते हैं और एग्जाम के दिन जाकर उल्टी कर देते हैं, बस यही आता है हमें और कुछ नहीं आता। अभी तो तुम्हें एग्जाम में बड़े बड़े जीरो मिलते और पनिशमेंट भी तुम दोनों को ही सबसे ज्यादा मिलती है, इसीलिए नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। फिर भी मैं तुम्हें एक सुधरने का मौका दे रहा हूँ, ब्रेन टेस्ट में पास हो जाओ और इंजेक्शन से बच जाओ, क्योंकि इस इंजेक्शन के एक फायदे नहीं है, अनेकों फायदे। ये इंजेक्शन जब तुम्हारे शरीर में लगता है ना, सीधा ब्रेन में असर करता है और तुम्हारे ब्रेन में जो गोबर और मैल भरे पड़े हैं वो भी गायब कर देता है, तो ये भी बहुत फायदेमंद है। तो अगर गलत दे देते हो आंसर तब भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम स्मार्ट बन जाओगे इंजेक्शन लगाकर। तो सबसे पहले ब्रेन टेस्ट कौन देगा? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। पूनम तू देगी ब्रेन टेस्ट, आजा। चुपचाप आ जा इधर, आजा कहा ना मैंने, आजा। तो पूनम एक ही मौका है तेरे पास, अगर आंसर गलत हो जाता है तो सीधा इंजेक्शन लग जाएगा। मैं तुझे जो भी क्वेश्चन पूछूं तुझे आंसर फटाफट देना होगा। तू बता कल रात के 1 बजे तू किसके साथ इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन थी? फटाफट सर। फटाफट, ये तो क्या बोल रही है? सर आपने तो कहा था आंसर फटाफट देने, तो मैंने दिमाग लगा के आंसर फटाफट दे दिया। मुझसे होशियारी दिखाती है तू? तू ब्रेन टेस्ट में फेल हो गई, फेल, वो भी 0% के साथ। तुझे तो बहुत बड़ी वाली इंजेक्शन लगेगी, बहुत बड़ी वाली। नहीं सर मुझे इंजेक्शन नहीं लगानी है। इंजेक्शन तो लग के ही रहेगी। सर हम आपको पढ़ाने के पैसे देते हैं इंजेक्शन लगाने के। जुबान चलाती है, अब तो तू मुझे इंजेक्शन लगाने के भी पैसे देगी? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ लगाओ बोल, इंजेक्शन कहाँ लगाओ? नहीं, 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 सर इंजेक्शन में लगाना है। अरे बाप रे, लगता है ये टीचर पागल हो गया। हो गया इंजेक्शन। तो कैसा लगा तुझे पनिशमेंट? नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर पनिशमेंट दूंगा, ठीक है? बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करूंगा नेक्स्ट टाइम। जा जा, अब तो जाकर बैठ जा। अरे बाप रे, इसे तो कपड़े के बाहर से ही सुई लगा दिया। पूनम, सुई लगा कर तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा, हंसी आई। बहुत मजा आया, इतनी हंसी आई कि आँख से आंसू टपक आए थे। लेकिन मैंने तो तुझे हंसते हुए नहीं रोते हुए देखा था। जब तुझे पता है कि मैं रो रही थी तो पूछती क्यों है? बस जानकारी के लिए, क्योंकि मेरी बारी भी आएगी ना। अच्छा होगा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे भी इंजेक्शन लगे। तू मुझे श्राप देगी? हाँ। अरे अरे छोड़ क्यों रहे थे? सर देखिए ना, ये मुझे साथ दे रही है, कह रही है कि तुझे भी इंजेक्शन लगेगा। क्या पता लग भी सकता है, वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चुपचाप इधर आ, इसमें झगड़ने की क्या बात थी? गुंडागिरी करने आती है, सीधी खड़ी हो जा। देख तुझे जवाब देने का एक ही मौका मिलेगा, एक बार में तुझे जवाब देना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन मैं तुझे पूछूं, ठीक है? तू मुझे ये बता, तू दिन में कितने टिकटॉक बनाती है? सर टिकटॉक तो बैन हो गया ना। गलत जवाब। सर मैंने कहा गलत जवाब दिया? सर आपको कोई से नहीं गलत है, मैंने तो सही जवाब दिया था। जो भी हो, तूने आंसर नहीं दिया, क्या जवाब दिया? मैंने तुझे पूछा था कितने टिकटॉक बनाती है, जवाब में 5-6 जो होना चाहिए था, पर तूने वो सब नहीं बोला, तूने बोला कि टिकटॉक बैन हो गया। सर टिकटॉक बैन हो गया, मैं रील्स बनाती हूँ, टिकटॉक नहीं। वही रील्स बनाती है, और रील्स और टिकटॉक एक ही होता है, क्योंकि तूने जवाब नहीं दिया और मेरे साथ बहस कर रही है, इसके वजह से तुझे इंजेक्शन लगेगी। ओए पागल टीचर, तू मुझे इंजेक्शन लगाएगा? हाँ लगाऊंगा, ये कैसी बदतमीजी है? हाँ बदतमीज है, क्या करेगा तू? तुझे क्या करूंगा, अब भी इंजेक्शन लगाऊंगा। लगाएगा? हाँ लगाऊंगा। लगा। गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट कौन सी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, और बिहाइंड द सीन्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी जरूर फॉलो करना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।